दोस्तों आज अपन अप्रैल के टॉप 4 वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसको कौन से लोग भर सकते हैं, कितना सैलरी है, कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि कितना कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो बन रहिएगा शुरू से अंत तक। और ये सब जो एग्ज़ाम होगा या जितने भी वैकेंसी के बारे में, टॉप 4 वैकेंसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, अप्रैल के जो टॉप 4 वैकेंसी है, इन सभी को क्रैक करने के लिए एक ही जगह आपको मॉक टेस्ट लगाना है, यानी कि अलग अलग मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। टेस्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है 269 में मिल जाएगा, अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो। और ये तमाम जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम या भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए वहाँ पे 269 में आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप एक बार ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। पहला वैकेंसी की बात करते हैं, यूपी में आंगनवाड़ी वर्कर की जो वैकेंसी है वो तकरीबन आप समझ सकते हैं 50,000 वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, अब ये सिर्फ, इसमें डिमेरिट ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये फीमेल लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरिट ये है कि कोई भी फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब देश के कोई भी कोना से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सैलरी थोड़ा कम है, लेकिन आपको पता है सैलरी से कोई मतलब नहीं होती है। आंगनवाड़ी में बहुत सारे फंड आते हैं, आपको भी पता है, उसमें भी 8-9-10 हज़ार बच जाते हैं, तो तकरीबन 16-17 हज़ार तो मिनिमम कोई भी बंदी कमा ही लेगी। ठीक है, तो ये बेसिक, लेकिन आपको 8 ही हज़ार प्लस के अराउंड में मिलता है। फिर ये इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th प्लस होना चाहिए, यानी कि 10th प्लस पास होनी चाहिए। 10th प्लस का मतलब ये नहीं कि 12th और जो भी होता है, 10th प्लस मतलब कि सॉरी 10th, सिर्फ 10th प्लस नहीं है, सिर्फ 10th है, यानी कि 10th पास होनी चाहिए। जॉब अप्लाई का लास्ट डेट कितना है, 16/4/2021, यानी कि आप जल्दी से अप्लाई कर दें। और आपको भी पता है कि इसमें फीस नहीं लगेगी, यानी कि 0 रुपया इसका फी है। ठीक है, सेकेंड वैकेंसी की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के लिए SSC GD की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले था कि 25 मार्च को ये रिलीज हो जाएगा, लेकिन आपको भी पता है कि कोविड के कारण या कुछ इंटरनल इशू की वजह से इसमें लिख दिया गया कि सून रिलीज होगा, यानी कि अप्रैल में कभी भी ये रिलीज हो सकता है, अगस्त में इसका एग्ज़ाम, ये पता है। ठीक है, अब इसको वैकेंसी को मतलब कि फ़ी कितना है, मतलब वैकेंसी भरने के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 100 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसकी सैलरी की, 30,000 मिनिमम आपको मिल जाएंगे। 30,000 मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, इंसेंटिव लगा के, डिपेंड करता आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, तो ये सब लगा के 35,000 एवरेज बन ही जाते हैं, 35 से मतलब कि 40 एवरेज बन जाते हैं। 10th प्लस आपको होनी चाहिए एलिजिबिलिटी। अगर हम बात करें, ये कहीं कहीं आपको दे दिया रहेगा 18 से 23, तो कहीं कहीं 18 से 25 ईयर दिया रहेगा, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो क्लियर हो जाएगा कि 23 चाहिए या 25 मैक्सिमम एज चाहिए। अभी मैंने देखा जहाँ पे वहाँ पे 25 दिखा रहा था और कहीं पे 23 दिखा रहा था, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर ये चीज़ें हो जाएगी। वैकेंसी की बात करें तो तकरीबन 40,000 वैकेंसी, हालांकि पिछली बार से कम ही वैकेंसी है, क्योंकि पिछली बार का अभी तक रिक्रूटमेंट का लास्ट प्रोसेस नहीं हुआ, ज्वाइनिंग नहीं मिला है, मेडिकली फिट भी घोषित कर दिया गया, जैसे कि आपको कल पता है कि PMO के द्वारा जो आया था, मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था, तो PMO के द्वारा जो लेटर आया था उसमें ये भी बात कही गई थी कि जो SSC GD के जो ज्वाइनिंग है वो जल्दी से करवाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग फिजिकली फिट भी हैं, वेट कर रहे हैं, घर पर बैठे हुए हैं। तो ये है इसमें 40,000। अब इसमें प्रोसेस क्या है कि CBT आपको देना है, CBT के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन CBT के बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा। स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब कि 170 और 157 की बात की जा रही है, यानी कि 170 ये होगा पुरुष को और 157 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए महिलाओं को। ठीक है, और अगर हम ST की बात करें, ये सब जितने भी कैटेगरी हैं, यानी कि OBC SC जनरल सभी के लिए, यहाँ पे मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, अगर ST की बात करें तो मेल में 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल में 150 सेंटीमीटर, ये ST कैटेगरी के लिए, बाकी सब कैटेगरी जितने भी कैटेगरी बच गए हैं उसमें ये आ गया 170 मेल के लिए, जितने भी कैटेगरी बचे हुए हैं, और 157 सेंटीमीटर ये हाइट की बात कर रहे हैं। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में ST को 76 और 5, यानी कि 76 फुला के, और मतलब कि आप समझ गए होंगे या आप ये सब जानते होंगे, तो और 85 जितने भी अदर कैटेगरी के हो गए, यानी कि SC हो गया, OBC हो गया और जनरल हो गया, उनको 85 और 5 का चाहिए। ये तो हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड, और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग करना है, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर
8.5 मिनट में रनिंग करना है। ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। ये चीज़ें तो आपको पता है। सिलेबस की बात करें तो GK 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर, मैथ्स 25 नंबर, इंग्लिश या हिंदी आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आप देना चाहते हैं। 25 नंबर के एक ही देना है, इंग्लिश दें या हिंदी दें। इंग्लिश में क्या होगा, वही जो आपका CHSL हो या आपके MTS हो, जिस तरह के इंग्लिश पूछे जाते हैं, हालांकि MTS लेवल के भी पूछे जाएंगे। और हिंदी में भी आपको पता है कि अगर आपने हिंदी का पेपर देखा होगा, व्याकरण संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक नंबर मिलेंगे 0.25 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 1:0.25 का मतलब यह है कि सही पे एक मिलेगा और गलत पे 0.25 मिलेगा, ठीक है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एवरेज 65 नंबर लाते हैं जनरल कैंडिडेट, तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप OBC के हैं तो 62 के अराउंड, EWS है तो और भी 60 के अराउंड हो जाएगा। SC के लिए आप 55-56। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रॉ नंबर लाना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इतना नंबर लाना है। ये बोल रहा हूँ कि रॉ नंबर इतना नंबर लाना है कि सिलेक्शन हो जाए। तो कहेंगे बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसका कि सिलेक्शन हो जाता है 76, 78, 80 तक चला जाता है, तो वो नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं। तो नॉर्मलाइज मार्क्स ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रॉ नंबर यानी कि काट पीट के आपके 65 आते हैं तो आप सिक्योर माने जाओगे। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, ये वाला चीज़ें बहुत मैटर करती है, ये वाला चीज़ें बहुत लोगों का फुलफिल नहीं होता है। हमारे जैसे लोग तो इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते, हमारी हाइट ही नहीं होती है, 1.70 तो हाइट ही नहीं होती है, तो अपन लोग भर ही नहीं सकते। ऊपर से ये हाइट भी हो गई तो ये नहीं कर पाएंगे, 5 किलोमीटर का रनिंग नहीं कर पाएंगे। इवन 1 किलोमीटर का रनिंग में तो मेरा हालत निकल गया था, तो आप समझ सकते हैं 5 किलोमीटर तो हमारे जैसे लोग तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से इसका कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो थोड़ा सा भी अप्लाई करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर कंपटीशन टफ नहीं है, ये जो 65 में बोल रहा हूँ ईजी क्वेश्चन में 65 आएंगे, और टफ क्वेश्चन रहेंगे तो और भी नीचे चले जाते हैं कट ऑफ, ठीक है। तो इतना चीज़ें हैं जो कि आपके SSC GD के बारे में है। थर्ड, अगर हम बात करें थर्ड वैकेंसी की, तो राजस्थान कोऑपरेटिव क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। 21 से 33 वर्ष इसका उम्र रखा गया है, कोई भी बंदा भर सकता है। हालांकि राजस्थान की वैकेंसी है लेकिन ओपन मार्केट से कोई भी भर सकता है, यानी कि जो भी बाहर से भरेंगे वो जनरल में कंसीडर करे जाएंगे, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल का बंदा इसको भर सकते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएट है। और इसका फॉर्म डेट है 20 मार्च से 20 अप्रैल, यानी कि अब 10 दिन बचा हुआ है। अगर हम बात करें तो CBT बेस्ड होगा ये एग्ज़ाम, यानी कि कंप्यूटर पे होगा। 120 मिनट दिए जाएंगे, 100 नंबर का होगा, नो निगेटिव, यानी कि एकदम से धड़ल्ले से कुछ भी मार सकते हैं। रीजनिंग 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, GK 40 क्वेश्चन, और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट से संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, ठीक है। 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा, 2 साल का प्रोविजन पीरियड मतलब कि आपके काम को ऑब्जर्व किया जाएगा, हालांकि निकाला तो नहीं जाता, सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। 30+ के अराउंड सैलरी हो जाएंगे 2 साल के बाद, लेकिन 2 साल तक आपको अराउंड 12-14 के ही मिलेंगे। इसमें फिर है 30+25 टाइपिंग, यानी कि प्रोविजन पीरियड के दौरान, ऐसा नहीं कि इसका सिलेक्शन में ये चीज़ें है टाइपिंग करना। आप दो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 2 साल के अंदर कभी भी आप पास कर सकते हैं। 30 इंग्लिश में और 25 हिंदी में, दोनों टाइपिंग, यहाँ पे या नहीं है, दोनों टाइपिंग आनी चाहिए, लेकिन कब, जब सिलेक्शन हो जाएगी और 2 साल के अंदर कभी भी आप टाइपिंग जब आप सीख लेंगे तो उस दौरान आपको देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये तो हो गया राजस्थान कोऑपरेटिव की बात करें, BPSC LDC की बात करते हैं, यानी कि बिहार की तरफ से ये वैकेंसी LDC की निकली हुई है, यानी कि इसमें भी कोई भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कंसीडर किए जाएंगे बाहर वाले। 12th जो है वो वाले बंदे, यानी कि 12th पास वाले बंदे इसको भर सकते हैं। मेल की बात करें तो 18 से 37 दे रखा है, और 18 से 40। फीमेल की बात करें तो इतना वर्ष तक के उम्र के लोग भर सकते हैं। और ये जितने भी मैंने दिया है वो जनरल के लिए, और SC ST जितना जिनका मिलता है आरक्षण वो तो मिलेगा ही, लेकिन हाँ बाहर वाले लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा एज में, ठीक है। स्टेट वाले लोगों को आरक्षण मिलेगा, OBC वाले को 3 वर्ष, SC ST वाले को 5 वर्ष, उसके बाद 10 वर्ष जो दिव्यांग जन हैं उनको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें स्टेट वाइज का होता है, और बाहर से आप भरते हैं तो जनरल में कंसिडर किए जाएंगे, यानी कि बाहर से आप भरते हैं तो इस एज के अंदर आपको आना है, ठीक है। कब से कब तक है, 19/3/21 से 14/7/21 तक, यहाँ पे 16/4/2021 तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। PT होगा और मेंस होगा, मेंस के आधार पे ही आपका मेरिट बनेगा। PT कौन कौन से होंगे, PT में होंगे GK से 50 नंबर, उसके बाद होंगे साइंस और मैथ एक साथ होंगे, उसी में दोनों मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में भी आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है।
यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे। अब एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेगा और अगर आपने निगेटिव किया तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितने घंटे के होंगे? 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, पीटी होगा। मेंस का अभी सिलेबस नहीं निकाला है क्योंकि बिहार में ऐसा होता है कि जब आप पीटी क्वालिफाई कीजिएगा उसके बाद मेंस के लिए अलग से फॉर्म निकलता है, मेंस को भरिए, उसके बाद जैसे पीटी के लिए आपने किया वैसे ही मेंस के लिए करना पड़ता है, उसके बाद अलग से उसका सिलेबस निकलता है। तो मेंस का अभी नहीं दे रखा है, यही दे रखा है कि पीटी में ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। सैलरी की बात करें, हालांकि 24 वैकेंसी है, इसमें वैकेंसी मैंने लिखा नहीं, 24 वैकेंसी है, ठीक है। तो 24 वैकेंसी है और इसमें आप देखेंगे, हाँ, सैलरी आपके 35,000 के अराउंड बन जाते हैं क्योंकि बीपीएससी का ये पोस्ट है, तो 35,000 के प्लस 35,000 प्लस ही बनता है। टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पे टाइपिंग हिंदी में आपसे मांगा गया है, इंग्लिश में नहीं आप करेंगे, हिंदी में मांगा गया है 30 वर्ड पर मिनट और आपको 1.5% ही छूट मिलेगा और इसमें सुधारने का मौका मिलेगा, यानी कि बैक स्पेस वगैरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 100% भी आप एक्यूरेसी रख सकते हैं अगर आपका हिंदी पे कमांड है, तो हिंदी यानी कि हिंदी टाइपिंग पे कमांड है। तो ये थी अप्रैल के टॉप 4 वैकेंसी। आशा करते हैं आप इन सभी वैकेंसी को अप्लाई करेंगे और मुझे लग रहा है कि जितने भी वैकेंसी है उसमें सभी में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर पढ़ाई की होगी तो ओबीएस कर ही सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देंगे ताकि मैं इस तरह के वीडियो और भी आपके लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।